आप सभी को मेरी नमस्कार। आपके सामने एक उदाहरण है जिसमें जातक ने ये पूछा है कि मेरा घर कब बिक सकता है, और ये उदाहरण 15 मई 2012 दोपहर के 3:05:44 अहमदाबाद में पूछा गया था। और इस उदाहरण में जो होरारी नंबर है वो 78। यदि आप देखें यहाँ पर होरारी नंबर को टोकन इस सॉफ्टवेयर में बोला जाता है, तो होरारी नंबर 78 है। तो आइए इस उदाहरण को हम देखते हैं। अब जैसा कि आप घर बेचने के संबंध में जो नियम है कि दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी तीसरे भाव, पांचवें भाव, छठे भाव या दशम भाव का कार्येश्वर, तो घर अवश्य बिकेगा। अब जैसा कि यहाँ पर चौथा भाव जो होता है मुख्य भाव होता है घर का, और स्वयं जो होता है वो होता है जातक, खरीदार होता है सप्तम भाव सामने वाला। तो यदि सामने वाला व्यक्ति अपने लिए घर खरीदेगा तो उसका चौथा भाव हुआ, अपने लिए घर खरीदेगा तभी जातक का घर जो है वो बिकेगा। इसलिए ये नियम है कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6, 10 इन भावों में से किसी का कार्येश हो तो घर अवश्य बिकेगा। सबसे पहले हम चंद्रमा से प्रश्न की सार्थकता को देखते हैं। तो पहले चंद्रमा को यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा 1 और 8 भाव, गुरु के नक्षत्र में 6, 9, 10, चंद्र के उपनक्षत्र में 1 और 8 भाव। तो यहाँ पर दशम भाव, छठा भाव, दशम भाव एक प्रकार से ऐसा खरीदार जो घर लेना चाहता हो, और छठा भाव घर बेचकर जो प्राप्ति हो, और आठवां भाव यहाँ पर एक तरह से रुकावट भी है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो यदि आप देखें तो टेनेंटेड है, क्योंकि चंद्रमा केतु का नक्षत्र स्वामी बना है इसलिए। तो एक प्रकार से चंद्रमा जो है अपने द्वारा प्रश्न की सार्थकता को बता रहा है। अब दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखें, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो है राहु। तो राहु किन भावों का कार्येश है ये हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राहु है वो अनटेनेंटेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके आगे ये वाला साइन है, नो प्लैनेट्स अवेलेबल इन दिस प्लैनेट स्टार, यानी कि जिस जिस ग्रह के आगे ये निशान है वो किसी ग्रह के नक्षत्र स्वामी नहीं बने, तो राहु अनटेनेंटेड हुआ। अब हम राहु के कार्येश भावों को देखते हैं। राहु जो है यदि देखें तो पांचवें और दशम भाव का, तीसरे भाव का, और अनटेनेंटेड होकर राहु दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी। तो नियम के अनुसार दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 6, 10, यहाँ पर 3, 5, 10 भावों का कार्येश है, जबकि दशम भाव का मजबूती से कार्येश है। तो यहाँ पर जो मकान है वो अवश्य बिकेगा। अब कब बिकेगा आइए उसको हम देखते हैं। प्रश्न के समय जो
दशा चल रही थी यदि हम देखें। प्रश्न 15 मई 2012 को पूछा गया था। तो ये आप दशा देख रहे हैं, गुरु की महादशा, चंद्र की अंतरदशा ये चल रही थी। अब जैसा कि प्रश्न जो था वो 15 मई 2012 को पूछा गया था और उस समय जो महादशा थी गुरु की, अंतरदशा जो थी चंद्र की, प्रत्यंतरदशा जो थी शनि की चल रही थी, जो कि 8 अगस्त 2012 तक चलनी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे गुरु चंद्र शनि क्या उपयुक्त हैं। तो गुरु को यदि हम देखें, गुरु दशम भाव का, छठे भाव का, पांचवें भाव का कार्येश है, तीसरे का भी कार्येश है। तो महादशा स्वामी जो गुरु है वो उपयुक्त है। अब अंतरदशा जो चल रही थी वो हम देखेंगे किस ग्रह की चल रही थी। अंतरदशा चंद्रमा की चल रही थी, तो हम चंद्रमा को भी देख लेते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि चंद्रमा प्रश्न का की सार्थकता दिखा रहा था, तो इस प्रकार से चंद्रमा भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद प्रत्यंतर दशा शनि की थी, तो शनि को यदि देखें शनि तीसरे भाव का, पांचवें भाव का, दशम भाव का, तीसरे भाव का कार्येश है। तो इस प्रकार से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों ही उपयुक्त हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जातक का जो मकान है वो गुरु की महादशा, चंद्र की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा में बिक जाएगा। और ये पीरियड 8 अगस्त 2012 तक का है, तो इससे पहले पहले ये मकान बिक जाएगा। जो जातक का मकान था वो 23 जुलाई 2012 को बिका और गुरु की महादशा, चंद्र की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा में ही ये जो मकान है जातक का बिका। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।